हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सीखेंगे, समझेंगे। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखें, खूब अच्छी तरह से समझें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इससे पहले के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारा पुराने वीडियो को देखें, इससे पहले का वीडियो देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि हाँ, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो मान ज्ञात करिए। आपके ये आइडेंटिटी मतलब ये क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं और इसमें समकोण ही होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ थीटा दिया है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, मतलब ये एंगल थीटा है। और यहाँ पर वैल्यू दी गई है बच्चों की कॉट थीटा बराबर है 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ये त्रिभुज है। और कॉट का मान यहाँ पर देखें तो होता है b/p। पहले का मतलब हो गया, ये हो गया b/p का मतलब हो गया आधार बटे लंब। तो ये आपका कितना हो गया, आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, ठीक है। क्योंकि इधर से जब देखेंगे तो ये लंब ही होगा और ये आधार होगा। अब हमारे पास निकालना है कर्ण, कर्ण निकालने के लिए एच। तो एच बराबर होता है रूट p² + b² कहने को मतलब पाइथागोरस द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस का हम सूत्र लगाएंगे और इस फार्मूले का यूज करके हम जो है इसकी साइड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका पी है 8, ये है 7, ये 8 × 64 7 × 49 और ये हो गया 3 113। ये आपकी वैल्यू आ गई कॉट थीटा की, सॉरी इसकी कर्ण की रूट 113, क्योंकि इसका 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 113 ही रहेगा। अब हम पहले पार्ट को लेते हैं और देखिए इसमें साइन कॉस कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, तो p/h का मतलब हो गया 8/√113। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो ये हो गया 7/√113। और कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो ये हो गया 7/8, क्योंकि कॉट की वैल्यू तो दी है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ। अब पहला पार्ट है 1 + sin θ 1 − sin θ 1/1, क्वेश्चन का यह है, +cos θ 1 − cos θ, ठीक है। तो आपको पता है कि a + b बराबर होता है a² - b² ये आपकी आइडेंटिटी है और जिसको आपने शुरू में ही पढ़ा है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1² - sin² और 1² - cos θ², ठीक है। 1 common हो गया। अब साइन की वैल्यू यहां से ले लो 8/√113 और इसका वर्ग हो जाएगा नीचे 1 − 7/113 वर्ग हो गया और ये बराबर हो गया 1 − 64/113 और ये 1 − 7 49 हो जाएगा। तो ये 7 है 113, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 113 − 64/113 फिर 113
-49/113, इससे ये कट जाएगा। इसमें से घटा लो, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ आ गया 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब सेकंड को लेते हैं, सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो 7/8 है, 7/8 का वर्ग करेंगे और ये क्या बन जाएगा 49/64। तो एक आंसर ये आ गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। मतलब कहने मतलब ये और ये सेम है, फॉर्म बदला हुआ है लेकिन वैल्यू दोनों की एक ही आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पे दिया है 3 cot A = 4, मतलब ए बी सी हम यहाँ हटा देते हैं थीटा, कॉट ए तो 3 cot A = 4 है, तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3 और कॉट बराबर होता है B/P, तो बी हमारा क्या बन गया, तो ये बराबर हो गया बी को, बी हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए हमें त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई, ये 3 इधर आ गया तो बटे में आ गया। अब कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया। अब लंब और आधार मिल गया तो हम कर्ण को निकाल लेंगे, कर्ण निकालने का एक ही फार्मूला है, तो h बराबर p² + b² यहाँ पर 3 का वर्ग + 4 का वर्ग यह हो गया 9 + 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25 और इसका वर्गमूल आ गया 5, मतलब ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ tan cos और sin इनकी वैल्यू हमें यूज करना है और पता करना वैल्यू बराबर है नहीं, तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर होता है P/B, तो ये हो गया 3/4। साइन ए बराबर P/H 3/5 और कॉस ए बराबर होता है B/H, तो 4/5। ये तो आ गया क्वेश्चन। अब देखिए 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। तो हमें LHS लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इधर RHS को लेते हैं, दोनों को अलग अलग निकालते हैं, अगर वैल्यू बराबर आ जाएगी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 - tan की वैल्यू है 4/10 की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9/16 और 1 + 9/16 हो गया। एलसीएम लो, 16 - 9/16 ये 7/16, 25/16, इससे ये कट जाएगा नीचे का और ये बन गया 7/25। यह क्या इधर पर देखते हैं, RHS लेते हैं, कॉस बराबर है यहाँ पर 4/5, तो ये हो गया 4/5 का वर्ग - साइन है 3/5। ठीक है, यहाँ 16/25 और 9/25 यहाँ हो गया, हर बराबर है 16 - 9, तो ये बराबर हुआ 7/25। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, हेंस इस प्रकार LHS बराबर RHS और ये निकल गया। ये सिद्ध करना था कि जो है जांच करें कि ये बराबर है कि नहीं, तो ये इसके बराबर है, लेफ्ट राइट के बराबर है, ये प्रूव हो गया।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों को बहुत रिवाइज करें। क्वेश्चन जितने आसान आपको दिख रहे हैं उतने कठिन भी हैं, तो थोड़ी सी मिसिंग से आप परेशान हो सकते हैं। तो आप मेहनत ज़रूर करें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।